अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए तीन बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट्स की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे, आप इनको बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम इनमें सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से तिल के लड्डू। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और 1 कप मैंने तिल लिए हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम तिल ऐड करेंगे। तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है हल्की आँच पर। आँच तेज़ नहीं करेंगे वरना तिल जल जाएंगे। हल्की आँच पर हमें इन्हें रोस्ट करना है। चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए तिल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे तिल मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। अब सेम पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको मेल्ट करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे और तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। सारा गुड़ मेल्ट हो गया है और ये देखें इसके ऊपर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे और चमचा हम मुसलसल चलाते रहेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। मैंने सारे तिल को गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इन मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा होना चाहिए। ये देखें मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया। हम इससे लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। इससे हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब आपको जितना बड़ा लड्डू बना रहा हो आप उतना ही मिक्सचर लीजिए। इसको हाथों में लेके हल्के हल्के से राउंड करेंगे और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। पानी से हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे, मिक्सचर उठाएंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और राउंड कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। और ये हमारे मज़ेदार से तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चौको बॉल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चौको बॉल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर हम सबसे पहले कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे, छान के ऐड करेंगे। कोको पाउडर को मैंने छान लिया, स्टेनर हटा देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें एक थिक सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने कुछ मैरी बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं, इनको खोल लेते हैं। एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे सारे बिस्किट्स। अब यहाँ मैंने 30 बिस्किट्स लिए हैं, मैरी बिस्किट मेरे पास 30 हैं। अब हम इनको पीस लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ एंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम ये सारे बिस्किट्स ऐड कर देंगे। अब
मैंने सारे बिस्किट्स ऐड कर दिए हैं, अब हम इनको पीस लेंगे। देखिए सारे बिस्किट्स को मैंने पीस लिया है, इसका पाउडर बनके तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने बटर मेल्ट कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। बटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये जो हमने बिस्किट का पाउडर बना के रखा था इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक डो बना लेंगे हम इसकी। देखिए मैंने इसकी डो बना ली है, अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, जितनी बड़ी आपको बॉल्स बनानी हो आप उतना ही उठाइए। और ये देखें बॉल बनकर तैयार हो गई है। इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब मैं आपको एक और बॉल बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको राउंड करेंगे और ये देखें हमारी ज़बरदस्ती चौको बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी बना लूँगी। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए, अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। आपकी चॉइस है, आप जो ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लीजिएगा। अब हम एक बॉल उठाएंगे और उसको इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। देखें अब इसी तरह मैं और भी कोट कर लेती हूँ। ये देखें इतनी ज़बरदस्त ही बनकर तैयार हुई और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी भी कोट करके रख लेती हूँ। और ये हमारे मज़ेदार से चौको बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन मिल्क बर्फ़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी बेसन मिल्क बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप हम इसके अंदर घी यूज़ करेंगे। यहाँ हम घी मेल्ट करके यूज़ करेंगे। 1 कप लिया है मैंने। 1 कप पानी है। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है। 4 से 5 टेबल स्पून बादाम पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून छोटी इलायची ली है, जिसको मैंने पीस लिया है। सारी चीज़ें मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके ली हैं। आप कोई भी इस तरह का एक बाउल ले लीजिए, फिर उसी से आप सारी चीज़ें मेजर करके ले लीजिए। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। पैन में हम सबसे पहले मेल्टेड घी ऐड करेंगे। 1 कप है ये। घी हल्का सा गर्म हो गया है, आँच मैंने हल्की रखी हुई है। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है घी को, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये बेसन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। बेसन को घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आँच मैंने हल्की रखी हुई है, हल्की आँच पे हम कुक करेंगे 7 से 8 मिनट। इसको हल्की आँच पे भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती बेसन के भुनने की, और चमचा चलाते रहेंगे। बेसन को भूनते हुए 8 मिनट हो गए, आँच मैंने हल्की रखी हुई है और ये देखें इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ी सी इसमें शाइन भी आ गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह।
हम इसके अंदर पिसी हुई इलायची भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे हम इसमें। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसको गोल्डन ही रखना है। देखें आपको ये भुरभुरा से नज़र आ रहा होगा, बस हमें इसको इसी तरह रखना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे अब हम और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बर्फी का सारा मिक्सचर मैंने इस बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिए, साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, चीनी को मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 पिंच जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, हमें इसको इतना पकाना है कि ये स्टिकी हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम इसको मीडियम फ्लेम पे। चीनी के मिक्सचर को पकते हुए 4 मिनट हो गए, ये देखें। अब हम मिक्सचर चेक कर लेते हैं, ये देखें हल्का सा स्टिकी हो गया ये, बस हमें इतना ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम आँच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो हमने बेसन और मिल्क पाउडर का मिक्सचर बना कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। एहतियात से ऐड करेंगे। सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और ये देखें इसने साइड्स भी छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाना है हमें इन्हें हल्की आँच पे। ये देखें हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक केक का मोल्ड लिया है, जिसके वो मैंने ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बटर पेपर बिछा दिया है इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लीजिए, इसको ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर बिछा दीजिए। मेरे पास ये है तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर बर्फ़ी का मिक्सचर ऐड करेंगे। मिक्सचर ऐड कर देंगे इसके अंदर। सारा मिक्सचर मैंने बाउल में ऐड कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। बर्फ़ी को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है, अब हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड कर देंगे। हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये को मैंने 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था, ये देखें ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बटर पेपर मैंने इसीलिए लगाया था ताकि हम इसको आसानी से निकाल सकें। अब हम इसको दोनों तरफ से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए मैंने इसको निकाल लिया, इसका रैपर हटा लेंगे दोनों तरफ से। मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जितना बड़ा आप साइज़ रखना चाहें उस हिसाब से कटिंग। देखिए बर्फ़ी की मैंने कटिंग कर ली है, 2 तरह से की है मैंने, एक ही लंबाई में की है, एक ही मैंने इस तरह से की है। और कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, ये देखें। बहुत ही मज़ेदार सी बेसन मिल्क बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।